बुद्ध, बोधिसत्व रविदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाड़गे, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, माता रमाबाई अम्बेडकर, बिरसा मुंडा और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के प्रति आदर और आभार प्रकट करते हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हम सबके अधिकार के जनक हैं और भारत के समस्त बहुजन नायकों से हम सबको परिचित करा देने वाले बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती जो आयोजित की गई है, इस अवसर पर हमारे विद्वान मुख्य वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, हमारे परम पूज्य भंते जी, हमारे आदरणीय सुनीता बौद्ध जी और समिति के आयोजक आदरणीय ओपी सिंह एवं उनके साथी लोग, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के आदरणीय जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार जी, आदरणीय मंडल महासचिव हरिनाथ जी, आदरणीय मंडल जिला महासचिव आदरणीय नीलेश कुमार जी, आदरणीय सुशील गौतम जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं, ये सब साथियों को अभिवादन करते हुए कमेटी को साधुवाद ज्ञापित करते हुए इस अवसर पर आप सबसे मैं बात करने जा रहा हूँ। एक चीज याद रखना, अभी जो आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे और यहाँ पर जो आयोजन हुआ है इसका एक नाम मैंने जब व्हाट्सएप पर देखा, विशाल भोजन दान का व्यवस्था है, तो हमने सोचा कि आयोजक मंडल से मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि ये केवल भोजन दान, विशाल भोजन दान का ही मामला नहीं है, यह मामला है विशाल ज्ञान दान व भोजन दान, दोनों बात रहेगी। और आज मैंने देखा कि हाँ, ज्ञान का भी दान हो रहा है, भोजन का भी दान हो रहा है और ये जो पेट और दिमाग का जो सामंजस्य है बहुत बेखूबी से यहाँ पर निभाया जा रहा है। इसलिए ज्ञान की गंगा को बहाए रखिए, बनाए रखिए और वैचारिक चिंतन को आगे बढ़ाइए। और इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक नारा देते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। अब वो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको दो तीन बातों ध्यान में रखना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि यह देश हुक्मरान बने बहुजनों का, दूसरा वो चाहते थे कि ये हमारा समाज बौद्धमय बने, और तीसरा चीज वो चाहते थे कि ये हमारे समाज में वैचार की क्रांति चलती रहे, इसलिए एक इमारत बनाई जाए जहाँ पर वैचार की विमर्श, विचार विमर्श जारी रहे। और यहाँ पर मैं एक बात आपके शेयर करना चाहूँगा कि जब मानवर का, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को पकड़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस देश का हुक्मरान बनने की बात आए तो उनका हुक्मरान बनाना ही चाहिए, तो जब हम लोग जितने भी जुल्म ज्यादती होती है हम लोगों के बीच में, हमारी बहन बेटी के साथ हमारे जितने अधिकार छीने जाते हैं, तो हम लोग तिलमिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही एक घटना घटी, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के सामने लोग गए, उन्होंने कहा मानवर साहब जुल्म जाति बढ़ गया है, हमारी बहन बेटी असुरक्षित हैं। तब मानवर साहब ने एक बात बोला, तो बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब ने कहा तो हुक्मरान बनो, शासक बनो। तो लोगों ने पूछा कि हम हुक्मरान कैसे बने, हम शासक कैसे बने, तो मानवर साहब ने एक बात कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती हो गई है वह कौम कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती
वह कौम कभी हुक्मरान नहीं बन सकती, और जो कौम हुक्मरान नहीं बन सकती वो अपने अधिकारों और अपने बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसलिए मेरे साथियों, आप बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार से, उन्होंने वोट का अधिकार दिया, कहा कि इस देश का हुक्मरान बनो, और मैं आपसे अपील करता हूँ इस देश का हुक्मरान बनो। और कौन सा हुक्मरान? जो बुद्ध फूले साहु अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलता हो, ऐसे हुक्मरान बनने का प्रयास करो। हुक्मरान ऐसे थोड़ी बनना है, हुक्मरान बन करके बुद्ध फूले साहु अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं चलाते हो तो अच्छा है कि हुक्मरान न बनो। क्यों मैं कहता हूं कि रास्ता आपका रास्ता, आपने कितनी दूरी तय की ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने किस दिशा में अपना को अपना रास्ता चुना है। रास्ता बहुत महत्वपूर्ण जीवन में होना चाहिए। और मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, सारे लोग दुखी हो गए, सारे लोग परेशान हो गए, कोई डिप्रेशन में आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम जगे हो इस बात का एहसास कैसे कराना है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 25 अप्रैल 1954 का भाषण बाबा साहब अम्बेडकर का आप सुन लेना, 25 अप्रैल 1954 का। और ये संपूर्ण वांग्मय की जो किताबें आई है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसमें 40वां खंड पर लिखा है। जब इस तरह से चुनाव हार गए लोग तो सबको पता कि बाबा साहब अम्बेडकर 1952 का चुनाव हारे थे और 1954 का भी चुनाव हारे थे। जब हार गए, जब चुनाव का जो माहौल है, हारने के बाद कैसे आदमी सोचता है, इसकी शक्ति, इसकी सोच और आपके अंदर मनोबल कैसे ऊंचा होता है, इसको जानने के लिए बहुजन महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो हारने जीतने से ऊपर है, वो हार और जीत से ऊपर है। अरे मैं चुनाव इसलिए लड़ता हूँ कि अपने लोगों को, उनको बता सकें कि जन जागरण पैदा कर सकें और उनको अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए मैं चुनाव लड़ता हूँ। और जब चुनाव हार गए थे तो लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप तो चुनाव हार चुके, अब हम लोगों का क्या होगा। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहा कि चुनाव, इस पराजय को इस तरह से समझना, और आप सबको मैं कह रहा हूँ कि पराजय जो बार बार आप लोग हमसे, बहुत सारे साथी लोग सवाल करता है अब क्या होगा, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की यही बात सुनाते हैं कि 25 अप्रैल 1954 को बाबा साहब ने कहा कि चुनाव को इस तरह से ले लो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को समझाते हुए कहा, चुनाव से, इस भारी पराजय से पेड़ सूख गए हैं, लेकिन इसका कतई अर्थ यह नहीं कि हमारे जड़ें हिल गई हैं। अरे हमारी जड़ें तो आज भी मजबूत है, हम फूले साहु अम्बेडकर के कारवा को चलाने वाले हम लोग जिंदा हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन जिंदा है और उसे हम लोग अवश्य पूरा करेंगे। और याद रखना, जो व्यक्ति अम्बेडकर मिशन को ये सोचता है कि मिट गया है, और जो लोग सोचते हैं कि हमारी सरकार नहीं आएगी, वो लोग बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि विचार की जो क्रांति होती है, अभी जो आरएसएस की बात आप जब करते हैं, यही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक भाषण सुन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में नहीं था तो जब मैं गुजरात में निकला तो वहाँ पर मिठाइयाँ बट रही थी, जब मिठाइयाँ बट रही थी तो मैंने पूछा कि ये मिठाई क्यों बट रही है, तो लोगों ने कहा कि जनसंघ की तीन लोगों की जमानत जब्ती बच गई है। तब मोदी जी ने कहा कि मैंने वो संघर्ष किया है कि जमानत जब्ती होने पर, बचने पर मिठाई बांटी जाती रही। अरे आप लोग क्यों इतने निराश हो जाते हैं? अरे आपकी जड़ें तो बुद्ध तक जाती है, आपके जड़ें तो आपके
जब छत्रपति साहू तक जाती है, आपकी जड़ें तो ज्योतिबा फूले तक जाती है, आपकी जड़ें तो बाबा साहब अम्बेडकर तक जाती है, आपकी जड़ों तो मानवर कांची राम तक जाती है, तो भला आप लड़ाई कैसे लड़ हार सकते हो? क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। एक दिन हुक्मरान पूरा बनेंगे, इस बात को दिमाग में बैठा के रखने का है। और याद रखना, हम लोग ये कहते हैं कि हमारा समाज सोया है, ये जगेगा कैसे? जगने का प्रोसेस मैं पहले बार बार बोलता हूं, जगने का प्रोसेस ये है कि तीन तरीका है, देख करके, सुन करके और पढ़ करके। और आज जो मैं देख रहा हूं कि जो देखना और सुनना और पढ़ने का प्रोसेस आपको बनाने पड़ेगा। तो आज हम लोग बुद्ध के बारे में बात करते हैं, बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है। अब ये प्रश्न आता है कि ये देखकर सुनकर के पढ़कर कैसे सीख सकते हैं? तो मेरी माताएं बहनें भाई बंधु से मैं अनुरोध करता हूं, समाज का दोष नहीं है, समाज का दोष बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि इस समाज में, बाबा साहब अंबेडकर 18 मार्च 56 का भाषण आप लोगों को बराबर सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो हमारा तीन उद्देश्य था कि ये पढ़े, हमारे जो बच्चे लोग हैं जिन्हें अस्पृश्य, दलित, अछूत, हरिजन आदि कहा जाता है, इनको पढ़ने का मौका मिले। पढ़ने का मौका मिल गया, इसके बाद उनको मौका मिल गया नौकरी करने का। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैं 18 मार्च 56 को भाषण दे रहे हैं, 18 मार्च 56 के बाद, चूंकि कहते हैं कि 1919 में दो तीन संकल्प लेकर आया था, आज 56 बोलते हैं कि अब मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कुछ लोग नौकरी में आ गए हैं, लेकिन जो लोग नौकरी में आ गए हैं, जो लोग पढ़ लिए हैं, वो कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि मैंने तो सोचा था कि ये पढ़ लिख करके जो नौजवान साथी आ गए हैं, मेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके, जो मानसिक रूप से गुलाम हैं, जिस पर बहुत बड़ी चर्चा आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी की, जो मानसिक गुलामी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये क्लर्कों की फौज खड़ी हो गई है जो अपना ही पेट भरने में लग गई है, इसलिए मेरे साथियों, इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने से पहले आपके गाड़गे ने भी बात बोला कि बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, पेट तो सुअर और गधे भी भर लेते हैं, अगर इंसान और जानवर दोनों एक ही काम करेंगे तो हम लोगों में क्या फर्क है। और इसी बात पर बाबा साहब अम्बेडकर को काठमांडू जाना था, तो 20 नवंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर काठमांडू में जो भाषण दे रहे थे, तो उनका विषय था काल मार्क्स और बुद्धा। और हम लोग क्या कहते हैं कि जिंदगी में क्या है, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, तो जिंदगी सुखमय कटेगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि व्यक्ति को रोटी भी चाहिए, व्यक्ति को कपड़ा भी चाहिए, व्यक्ति को मकान भी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इससे भी ऊपर एक और चीज चाहिए, सम्मान। इससे भी ऊपर चीज है कि सम्मान चाहिए। अब इस बात को समझ लीजिएगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं इसको इस तरह से कि समझिए कि एक व्यक्ति के पास, बाबा साहब एग्जाम्पल करते हैं कि एक व्यक्ति के पास केवल पेट ही नहीं होता, व्यक्ति के पास नाक भी होता है। और जब कोई व्यक्ति आपसे पूछे, कभी ऐसा घटना घटे और कोई व्यक्ति आपसे कहे साहब पेट का सवाल है, तो आप समझ जाते हैं कि ये भूखा है। लेकिन वही व्यक्ति आपसे कह दे कि साहब नाक का सवाल है, आप एकदम चौकन्ना हो गए, कहते हैं कि क्या तुम्हें हो गया, कौन सा ऐसा सम्मान का मामला आ गया, मतलब आप समझ जाते हैं कोई इज्जत वाला मामला है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं काल मार्क्स और बुद्धा पर बोलते हुए, काल मार्क्स को पेट तक रुक गया लेकिन बुद्ध जो है तो नाक तक पहुंचे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम्हारा पेट भरे या ना भरे, तुम खाली पेट रहना, भूखे मर जाना, लेकिन अपने नाक और सम्मान की रक्षा करते रहना, ये बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन है। आज हम लोगों को ज्ञान का दान, मानसिक क्रांति, वैचारिक क्रांति को ज्वाला देने का काम आ गया है। आज ये बात हो रही है
कि हमारी बहन बेटी भाई बंधु अपने को हिंदू क्यों कहते हैं, तब बाबा साहब अंबेडकर आपको नीच कौन कहता है, सामाजिक विषमता कैसे है, सामाजिक विषमता दूर कैसे होगी, हम लोग बड़े परेशान हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर और गांधी के बीच में संवाद होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गांधी जी से कहते हैं और गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर से पूछते हैं कि अंबेडकर आप परेशान क्यों हैं, हम भी तो अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्यक्रम चला रहे हैं, अछूतों उद्धार का आंदोलन चला रहे हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर ने क्वेश्चन किया कि गांधी जी आप अछूतों उद्धार का आंदोलन चला रहे हैं, जातिवाद विनाश का भी आंदोलन चला रहे हैं, तो मेरा प्रश्न है आप चाहते हैं कि देश से वर्ण व्यवस्था खत्म हो। अब चुप रहते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर नीचे से शुरू करते हैं, तो पूछते हैं गांधी जी आप चाहते हैं कि इस देश में छुआछूत समाप्त हो जाए, तब गांधी जी कहते हैं बिल्कुल मैं चाहता हूं। तब बाबा साहब अंबेडकर दूसरा सवाल करते हैं कि क्या चाहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, तो गांधी जी कहते हैं मैं बिल्कुल चाहता हूं। अब तीसरा सवाल जो सबसे कठिन था, तब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो, गांधी जी यहाँ चुप हो जाते हैं। तब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी तो जाति व्यवस्था रहेगी और जाति व्यवस्था रहेगी तो छुआछूत भी रहेगा, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा यदि आप चाहते हैं कि देश से छुआछूत खत्म हो तो आप उसकी नानी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से जाति पैदा हो रही है, जाति से छुआछूत पैदा हो रही है, तो वर्ण व्यवस्था उसकी नानी हुई, पहले नानी को समाप्त कर दो तो ये अपने छुआछूत अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू मानते हैं, जो लोग अपने को हिंदू मानते हैं वो स्वयं को अपने को नीच स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं हिंदू होने का अर्थ ये होता है कि उनका तीन पैरामीटर है, वर्ण व्यवस्था रहेगी, जाति व्यवस्था रहेगी तो छुआछूत ऑटोमेटिक रहेगी। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म में रहते हुए यदि कल्पना करते हो कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए 85% के लोगों को उस जाति व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म का मार्ग जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने दिया उसको अपनाएंगे, तभी आप इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे जो समता समता न्याय बंधुत्व पर आधारित होगा। इस बात को समझने के लिए अब एक बात आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि आपको खाना भी खाना है और इसके बाद हम बाधा भी नहीं बनना चाहते, तो मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने ज्ञान बुद्धि का यदि सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं, हम देख करके बुद्ध फूले को भी नहीं समझ पा रहे हैं और हम लोग पढ़ कर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बाय द वे सुन को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने ज्ञान बुद्धि का यदि सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक भाषण है 8 मई 1955 का, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना की कोशिश करिएगा। वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ज्ञान उसके पास है, बुद्धि है, विवेक है और प्रज्ञा है, जैसे कठिन प्रज्ञा अगर मैं बोल दूं प्रज्ञा है तो प्रज्ञा को अंग्रेजी में कहा जाता है विजडम, तो कहते हैं कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और प्रज्ञा का सही इस्तेमाल नहीं करता है तो वो मूर्ख है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहते हैं मूर्ख है। अब वो मूर्ख कैसे अपना व्यवहार करता है, तब एक उदाहरण देते हैं बाबा साहब अंबेडकर 8 मई 1955 को स्पीच कर रहे हैं, कहते हैं कि एक पादरी था एक गांव में एक पादरी था, तो उसको ये बताया गया था कि जब संकट आ जाएगा, जब गांव में संकट आ जाए या समाज में संकट आ जाए तो सभी लोगों को इकट्ठा करके घुटने टेक करके प्रार्थना करना चाहिए। कुछ दुर्भाग्य रहा, कुछ दुर्योग रहा, उस गांव में आग लग गई और पादरी को तो वही करना था जो उसे परंपरा में सिखाया गया था। अब सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद कहा घुटने टेको और प्रार्थना करो, तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं उसने पादरी ने सबको बुलाया और सब घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगे तो जाहिर है कि झोपड़ियां सब जल गई। जब झोपड़ियां जल गई तब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं ये मूर्खता है,
ये मूर्खता है। यदि वो अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल किया होता, अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया होता, तो बाल्टी मंगाता, पानी लाता, पूरे गांव को ललकारता कि चलो पानी लाओ, और उस पानी से आग को बुझा देता। लेकिन वो अपने प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं किया, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमारा समाज मूर्ख हो गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपने ज्ञान का प्रयोग करिए, अपने प्रज्ञा का इस्तेमाल करिए, फूले साहब अम्बेडकर के संदेश को समझिए। जिस तरह से वे लोग हमारे लोग करवा चौथ की तरह पति की उम्र लंबी होगी, जूत पुत्र का रखोगे तुम्हारा बच्चे का लंबी उम्र होगी, जैसे हमारे लोगों को कूप मंडूक बना दिया, वैसे समझा समझा करके। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे उन्होंने नई नई देवी भी पैदा कर देते हैं, संतोषी माँ को भी पैदा कर दिए। जब वो सुना करके दिखा करके कुरुतियां पैदा कर सकते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सुना करके, समझा करके, पढ़ा करके, बोल करके, बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर के संदेश दे करके अपने महिला बच्चों को जागरूक कर दिए। यही जयंती का एक मकसद होता है, यही जयंती का एक उद्देश्य होता है। मेरे साथियों, अब आप ये कहेंगे विचारधारा अस्थाई कैसे रहेगी, ये आप सोचते हुए अस्थाई कैसे रहेगी। अगर ये जयंती ना होती, ये पंडाल ना होता, तो आप कैसे चर्चा करते। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरा जो संदेश रहा कि विचार की मरनी नहीं चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 जून 1949 को एक स्पीच दिया, और इस स्पीच को सभी को मैं बताऊं कि मुझे 2 साल पहले से जानकारी हुई है। इससे पहले मैं भी नहीं जानता था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर कितना बोले हैं। अब मैं इस पर 2 मिनट बोलने जा रहा हूं, इसके बाद 2-3 मिनट बाद अपनी बात खत्म करूंगा। तो 18 जून, अब मैंने मुझे 2 साल पता चला इसको पढ़ते हुए, और ये आपको रेफरेंस किताब बता दूं, संपूर्ण वांग्मय 39 और 40। बाबा साहब अम्बेडकर 18 जून 1939 कहते हैं, अपने सामाजिक कार्य करने के लिए, अपने सामाजिक काम काज करने के लिए एक विचार की सेंटर का निर्माण करो, इमारत बनाओ बंबई में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वो इसलिए इमारत बनाओ कि हमारे विचार की चलती रहे, बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर, बुद्ध फूले साहू की विचारधारा जिंदा रहे। तो उन्होंने कहा कि बनेगा कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, उनका चैप्टर का नाम है इमारत के लिए अपनी तनख्वाह दें 1 महीने का। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि जिसकी तनख्वाह 30 रुपये होगी 1939 में, उसको 2 रुपये चंदा देना है, और जिसकी तनख्वाह 50 रुपये होगी उसे 5 रुपये चंदा देना है, और जिसकी तनख्वाह 50 रुपये से ज़्यादा होगी उसे 1 महीने का अपना पूरा वेतन देना है, अध्यापक अध्यापिकाएं क्लर्क को तो 1 महीने का वेतन देना ही देना है। अब आप ये कहेंगे अध्यापक अध्यापिकाएं क्लर्क क्यों बोले, 1939 में यही रहे ही होंगे, उसमें प्रोफेसर नहीं रहे होंगे, उसमें IAS IPS नहीं रहे होंगे, कलेक्टर नहीं रहोगे, डॉक्टर नहीं रहोगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्यापक अध्यापिकाएं क्लर्क ही बोला। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे क्या बोला, अभी तो एक जगह मैंने बोला, दूसरी जगह बाबा साहब अम्बेडकर 10 अक्टूबर 1940 को क्या कहते हैं, अपने पैसे से ही इमारत खड़ा करो और केंद्रीय जो हाल बनाओ अपने पैसे से। और आपके 14 मई 1945 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इतनी सुंदर इमारत बनाना कि ऐसी इमारत मुंबई शहर में किसी दूसरे का न हो, मारवाड़ी का, गुजराती पंजाबी का न हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और याद रखना, 28 सितंबर से पहले 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, गुस्सा करके, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े गुस्सैल भी थे, उन्होंने कहा कि मैं जो इमारत बनाने की बात कर रहा हूँ, जो विचार की सेंटर बनाने की बात कर रहा हूँ, वह नाटक नौटंकी मनोरंजन के लिए नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वह इसलिए बने जैसे उच्च वर्गीय लोग चाहू दिशा में डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हमारा समाज भी डेवलप करे, विकास करे, इसलिए आप इस इमारत को अवश्य बनाओ। और याद रखिए, जब भी नहीं बना, 28 सितंबर 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि
आप लोगों को मैं इतनी बार कह रहा हूं कि इमारत बनाओ, केंद्रीय हॉल बनाओ, बैचारकी सेंटर बनाओ। आज आप जरा देख रहे हैं आरएसएस का सेंटर नागपुर बना है। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं सेंटर पर गया था, आरएसएस का सेंटर के पास में मैंने बोला। और आइए, ये क्यों बात बोल रहे थे कि आरएसएस तो वहीं पर है, वहीं से पूरे बुद्धि दिमाग आता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को पहले ही समझ गए थे कि हमारा जब सेंटर होगा तो हमारे लोग विचार विमर्श करेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर न बनने पर 28 सितंबर 1952 को कहते हैं कि अब मुझे पढ़े लिखे लोगों पर भरोसा नहीं है, अब मुझे 3 लोगों पर भरोसा है, आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, अशिक्षित लोगों पर। जरा सोचना, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि ये हमारा समाज पढ़ा लिखा हो, नौकरी में आए, राजनीति में जाए, खुशहाल बने, समाज को खुशहाल बनाए, लेकिन उनका वैचारिकी सेंटर न बनने से इतना दुखी थे। यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 20 जुलाई 1952 का, 20 जुलाई 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जरा पूछना कि क्या शिक्षित युवा सामाजिक कार्य करेंगे। ये क्वेश्चन रेज करते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ रेज करते हैं, सिद्धार्थ बोर्डिंग कॉलेज का हॉस्टल का कुछ इनॉग्रेशन था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं और दलित महार संघ वालों ने बुलाया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर सबको पूछते हैं कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे संतोष है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे पूछने का मेरा मन करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर सवाल कैसे पूछते हैं कि आप लोग जिन बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं उनसे कभी पूछा है कि वो सामाजिक कार्य करेंगे। ये सवाल करते हैं कि ये सामाजिक कार्य करेंगे तो कोई बांड भरवा रहे हैं सामाजिक कार्य करने के लिए, तो लोग ना में उत्तर देते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने भी सिद्धार्थ कॉलेज बनाया था और इस उम्मीद के साथ बनाया था कि इसमें बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख करके सामाजिक कार्य करेंगे। ये 20 जुलाई 1952 का भाषण है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते मुझे बड़ा कटु अनुभव है कि मैं तो सोचा कि सामाजिक कार्य करेंगे, लेकिन बच्चों का ऐसा व्यवहार बदल जा रहा है कि बस बड़ी नौकरी मिल गई, हो गया अपना काम, बस कौन समाज है, समाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं क्या आप लोग नहीं लगता कि जिन बच्चों को आप पढ़ा लिखा रहे हैं यदि वो सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं, वो फूले बुद्ध के आंदोलन को नहीं चला रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता कि एहसान फरामोश है। आज हम लोग इस बात पर विचार करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना है। और जो बात अभी हरिनाथ जी बोल रहे थे, मंडल महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, उस बात को आप लोग हो सकता है कि ध्यान से न सुना हो, लेकिन आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पढ़ के जरूर समझिएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो 1938 से लेकर 1956 तक इस बात को कहते हैं कि केंद्रीय हॉल बनाओ। और संयोग से जब मैंने सारी किताबों को पढ़ लिया तो सारनाथ बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण स्थली, अगर आपसे कोई पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना अंतिम भाषण कब दिया था, तो 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सारनाथ वाराणसी में भाषण दिया। अब वहीं पर जैसे आरएसएस का सेंटर नागपुर में बना है, हम लोगों ने भी संकल्प ले ही लिया है कि इस सपने को अवश्य पूरा किया जाएगा। इसलिए मैं बहुत सारी बातें चर्चा बाद में करूंगा, ये चर्चा इसलिए उठा दिया हूं कि ये चर्चा आपके दिमाग में अभी डाला ही नहीं गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 से लेकर के 1956 तक विचार की सेंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष का कम से कम ऐसा सेंटर हो जहाँ से वैचारिकी का प्रशिक्षण हो, वैचारिकी पर विचार विमर्श हो, एकता हो। आज प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी बोल रहे थे कि ये फूले साहू अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, जगदेव बाबू जितने लोगों, उनकी क्रांति को कैसे लाया जाएगा, कैसे समाज में समझाया जाएगा, उसके लिए आपका सेंटर होना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने
1938 से लेकर 1956 तक बात रखा, उसी को नकल करते हुए उनके सपने को पूरा करने के लिए सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन रिंग रोड पर, बहुत प्राइम लोकेशन, बहुत महंगी जमीन में 10,000 स्क्वायर फीट 1,50,00,000 में रजिस्ट्री हो गई है बहुजन बोधी समाज संघर्ष समिति के नाम से। ये नहीं कि आंदोलन आपके लिए भी छोड़ा नहीं गया है, 4,000 स्क्वायर फीट बाकी है, उसके लिए भी 10,00,000 एडवांस दिया जा चुका है। और 10 मई को बुद्ध पूर्णिमा से पहले 2,000 उसमें का रजिस्ट्री कराने का संकल्प ले लिया गया है। इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि इस बात को आप पढ़िएगा स्वतः, और ये पढ़ना है आपको संपूर्ण वांग्मय 39 और 40वां खंड। ये जो मैं रेफरेंस किताब दे रहा हूँ आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, जब आप पढ़ेंगे तब विचार की आपका जिंदा रहेगा। जैसे सबको पता कि आरएसएस सेंटर नागपुर में है, मैं भी चाहता हूँ कानपुर में आज मैं बोल रहा हूँ, यही बात फरुखाबाद में बोल रहा हूँ, यही बात मैं आगरा में बोल रहा हूँ, यही राजस्थान में बोल रहा हूँ, यही गुजरात में बोल रहा हूँ, जिस तरह से आरएसएस का सेंटर नागपुर में है उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर का सपने का सेंटर सारनाथ वाराणसी में होगा, और इसको हम लोग बनाकर रहेंगे। इसके लिए हमारे कानपुर के साथियों ने, अभी नीलेश जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय हमारे हरिनाथ जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आज मैं कल वेबिनार मीटिंग में था तो आदरणीय धर्मेंद्र जी जिला अध्यक्ष जो हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि कानपुर के जो कार्यक्रम है उसमें जब आप आएंगे तो मैं कानपुर के तरफ से 50,000 रुपये का आपको चेक या कैश हम लोग देंगे। तो मैं धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया मंच पर आ जाए, जिन साथियों का आपके पास चेक है उनको बुलाएं और आगे की थोड़ी सी कार्रवाई करें। धर्मेंद्र जी जिला अध्यक्ष कानपुर, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह हाँ आगे चुके हैं। अब इस ये अनाउंस करें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि कानपुर की धरती से कुछ साथियों को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का हम पदाधिकारी भी नामित करना चाहते हैं। हम अभी इस कार्यक्रम से पहले परम आदरणीय राज बहादुर जी के नेतृत्व में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SC ST OBC एम्प्लाई फेडरेशन के माध्यम से बहुत बड़ा सेमिनार बाबा साहब का नरुला गेस्ट हाउस में हो रहा था। इस कार्यक्रम में मुझे शिरकत करना था, इन्होंने मुझे आदेश दिया, इसके लिए ऑफिसिंग आदेश दिए, आदरणीय धर्मेंद्र जी ने आदेश दिया, मैं यहाँ शिरकत किया। इनको मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूँ, इन्होंने आदेश दिया कि इस कार्यक्रम में आना है। बड़ी मुश्किल से अवसर मिलता है, जब बहुत मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से अवसर मिलता है, जब बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब को जब आपकी अदालत में बुलाया गया और रजत शर्मा ने सवाल किया कि कांशीराम, सुनने में आता है कि आप तो अवसरवादी हैं, तो कांशीराम आप जैसे रहते सामान्य लोग हम लोग तो तिलमिला जाते, लेकिन कांशीराम साहब ने कहा कि मैं अवसरवादी हूं। उसने कहा कि कांशीराम आप तो अवसरवादी हैं, तो कांशीराम साहब ने कहा कि मैं अवसरवादी हूं। अरे हम लोगों को कभी अवसर मिलता ही नहीं था, अब बड़ी मुश्किल से जब अवसर मिला है तो मैं इसको अवसर को मैं चूकूंगा नहीं, क्योंकि मैं अवसरवादी हूं। तो मुझे जब अवसर मिला कानपुर में यहाँ आने का ऑफिसिंग के माध्यम से, आदरणीय धर्मेंद्र जी के माध्यम से, आदरणीय नीलेश जी के माध्यम से, ये जब अवसर मिला हरिनाथ के माध्यम से, पूरी कमेटी के माध्यम से, और जब यहाँ आने का जब अवसर मिला, बड़ी मुश्किल से मिलता है याद रखना, ये मंच माइक माला बड़े बहुत मुश्किल के बाद मिलता है, इसको आसानी से मत समझिएगा। आज लक्ष्मण यादव जी को आप लोग जो सुन रहे हैं, जान हथेली पर लेकर चल रहा है बंदा, जिसको कहते हैं जान हथेली पर लेकर चलना, आज वो स्थिति बनी हुई है। तो बड़ी मुश्किल से अवसर मिलता है, जब आदमी राज बहादुर जी ने मुझे अवसर दिया तब हमने कहा कि मैं तो जरूर आऊंगा, बल्कि दौड़े दौड़े आऊंगा,
इन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल गाड़ी घोड़ा हमें कहा कुछ जरूरत नहीं, अवसर मिल गया, ये मेरे लिए बहुत ही धन्यवाद का मामला है और मैं दौड़े दौड़े उस कार्यक्रम में शिरकत किया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।